मुझे अक्सर शीला की याद दिलाती, मुझे खींचती शीला की ओर, लगता मानो शीला मुझे बुला रही हो। और अपने जहाज पर बैठा मैं इन लहरों को बहुत कोसता हूं, पर आज ये आवाज पता नहीं क्यों वो असर पैदा नहीं कर पा रही। कहाँ हो तुम शीला, कहाँ हो तुम? मैंने तो कह दिया कैप्टन साहब से कि इस बार अगर मैं घर नहीं गया ना तो मेरी बीवी मुझे तलाक दे देगी। भाई 3 बार छुट्टी कैंसिल हो चुकी है। हे लव, क्या हुआ? कुछ नहीं। नाराज हो? मैं क्या करूं बताओ। जानती हो लहरें इस बार मुझसे क्या कह रही थी? कह रही थी कमांडर पांडे इस बार शीला इतनी आसानी से नहीं मानेगी। जानती हो इंडोनेशिया से तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूं मैं? दिस इज फॉर यू। सुनील, तुम समझते क्यों नहीं मुझे इन गहनों की नहीं तुम्हारी जरूरत है। समझता हूं जान, लेकिन मैं क्या करूं बताओ। रिमेंबर व्हेन यू फेल इन लव विद मी, तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने कहा था कि मुझसे ज्यादा तुम्हें मेरी वर्दी प्यारी लगती है। That you fell in love with me because I look damn handsome in my uniform. क्या करूं, अपना काम ही ऐसे। But I promise, इस बार जिस दिन का वादा करूंगा उस दिन जरूर आऊंगा, पक्का। बंबई 1958। सुनील पांडे एक नेवल ऑफिसर थे जिनका महीनों तक घर से दूर रहना उनकी पत्नी शीला को अब खलने लगा था। शीला के अंदर की औरत खुद को बिल्कुल अधूरा महसूस करने लगी थी। पर उस दिन अचानक सब कुछ बदल गया जब ये पति पत्नी एक दोस्त की दी गई पार्टी में गए। शुक्र है सुनील जी को हमारे यहाँ आने का वक्त तो मिला। भाई वक्त की बात मत शुरू करो वरना मेरी पत्नी फिर नाराज हो जाएगी। ओ तो शीला जी आप नाराज हैं? आप मनाने का प्रोसेस चल रहा है। दिव्या प्रकाश कहाँ है? इधर ही होंगे। हाय। ओ हाय। भाई मैं इन्हें ढूंढने गया था, ये बार बार गुम हो जाते हैं। अरे सुनील यह राजेश, राजेश अनेजा, और राजेश यह सुनील, सुनील पांडे मेरा बहुत पुराना दोस्त है। He's a Navy man. Hello. Hi. यह मेरी वाइफ शीला। Hi. Hello. चलो भाई आप लोग बैठे रहेंगे या डांस वांस भी करोगे कुछ? नहीं यार मैं अपना ड्रिंक एंजॉय करूंगा, आप लोग जाइए। राजेश आप चलो। वैसे राजेश साहब आप काम क्या करते हैं? छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ कार का, पुरानी गाड़ियां खरीदता हूँ उन्हें फिर से नया बनाता हूँ और बेच देता हूँ। भाई पुरानी चीज नई कैसे हो जाती है? उन पर बैठी धूल को हटा दीजिए फिर से नई बन जाएगी। गुड वन, आई लाइक इट। मिस्टर सुनील इफ यू डोंट माइंड क्या मैं आपकी बीवी के साथ डांस कर सकता हूँ? I don't mind. Ask her. Dance? No thanks. Come on, जब तक इनका पैक पूरा होगा हम लोग अपना डांस खत्म कर देंगे। Come on, Sheila. Go, enjoy, sir. Okay. बहुत अच्छा डांस करती हैं आप। नहीं मैं तो पता नहीं बहुत महीनों के बाद डांस कर रही हूँ। क्यों सुनील साहब डांस का शौक नहीं रखते? नहीं वो महीनों महीनों यहाँ रहती हूँ। कोई बात नहीं, आपका जब भी डांस करने का दिल करे मुझे फोन कर लीजिए। जी देखिए
मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि मेरा काम है पुरानी चीजों पर पड़ी धूल को हटा देना और उनको दोबारा नया जैसा बनाना। मुझे लगता है आप पर भी वक्त की धूल जमती जा रही है। नहीं, ऐसे नहीं है। जुबान का लड़खड़ाना अच्छी बात नहीं है, आंखों की चोरी पकड़ी जाती है। उस दिन पार्टी में मिला वो जादूगर मानो शीला पर एक पल में अपना जादू कर गया था। उसकी बातें, उसकी अदा, उसका शीला की आंखों को यूं पढ़ लेना, सब कुछ वैसा ही था जैसा शायद शीला चाहती थी। और अब सुनील का शिप पर लौट जाना उसे अखरता नहीं। What is this? भाई पति वापस जा रहा है, कोई रोना धोना होगा कि नहीं? हाँ कोई इमोशनल सीन होना चाहिए कि नहीं? अरे क्या हुआ? मैं तो सोच रहा था कि मैं सुबह सोकर उठूंगा और पैकिंग करूंगा और तुम्हारी आंखों में पानी आना शुरू हो जाएगा। तीन महीने बस, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। ओके, निक्सन के पापा आएंगे तो हम फिल्म जाएंगे। हाँ, आई प्रॉमिस यू बेबी। पापा एक बात पूछूं? हाँ। आप बहुत ब्रेव है ना? क्यों? वो मेरे क्लास में मोहित है ना, वो कहता है कि उसके पापा पुलिस में, तो वो बहुत ब्रेव है। मैंने कहा मेरे पापा भी बहुत ब्रेव है, वो सी में रहते हैं। तो उस पागल ने कहा कि तेरे पापा को तो एम करना भी नहीं आता, मेरे पापा तो पुलिस में वो शूटिंग करते हैं। अच्छा बेटा, मैं अगली बार आऊंगा ना तो मोहित के पापा से मिलकर उन्हें शूटिंग में हरा दूंगा। सच? बिल्कुल। अच्छा बेटा, अपनी मम्मी का और भैया का ख्याल रखना। ओके बाय। बाय बेटा, बाय। शीला के ऊपर जमी वक्त की धूल मानो वाकई हट चुकी थी। वो इस नई जिंदगी के एहसास से बहुत खुश थी और वो वक्त जो पहले गुजरता ही नहीं था अब मानो उड़ने सा लगा। नमस्ते, सामान ले आओ। जस्ट शट अप, ओके? मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ, प्लीज। शीला, ए शीला, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, ओके? बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम अचानक? अरे अचानक कहाँ, मैंने टेलीग्राम किया था। हाँ, तुम्हारा टेलीग्राम आया था। हे, क्या हुआ? तुम खुश नहीं मुझे देख के? कैसी बात कर रहे हो? मैं बहुत खुश हूँ। ए बच्चे कहाँ? बाहर होंगे। कहाँ
कल बच्चों को फिल्म लेके जाना है और उसके बाद बाहर डिनर करेंगे। क्या हूँ कर रही हो, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। मैं जानता हूँ मेरी प्यारी सी बीवी को क्या हुआ है भाई। दोपहर तो मैंने बच्चों के साथ खेल के निकाल दी और अब किताब लेके बैठ गया हूँ। हाँ सुनील, आज नहीं। क्यों, आज 3 महीनों के बाद तो आया हूँ, आज दो। बस नहीं प्लीज। शीला सुनील, मुझे तो नींद आ रही। शीला की नाराजगी से सुनील बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। ये नाराजगी नहीं थी, उसे उसकी शीला कुछ बदली बदली सी लग रही थी, मानो ये उसकी शीला हो ही नहीं। क्या हुआ है तुम्हें शीला? कुछ नहीं। तुम बदल गई हो शीला। क्या जो मैं सोच रहा हूं वो सही है? बोलो प्लीज। हाँ। क्या कोई है? कितने महीने से? 3 महीने से। प्यार करते हो तुम उससे? शादी करेगा तुमसे? मैंने पूछा शादी करेगा तुमसे? कौन है वो? राजेश। राजेश अनेजा? हाँ। शीला, मैं उससे बात करूंगा। नहीं, तुम उससे कोई बात नहीं करोगे। शीला मैं जानता हूं मैं तुमको खुश नहीं रख सका हूं। अगर कोई और तुम्हें खुश रख सकता है तो ठीक है। क्या वो हमारे बच्चों को स्वीकार करेगा? पता नहीं, पर तुम उससे बात नहीं करोगे प्लीज। सुनील ना चाहते हुए भी राजेश को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था और उसने राजेश से बात करने की ठानी और आधी फिल्म में किसी बहाने से वो बाहर आया। खतरों का आदि शख्स हमेशा खतरों के लिए तैयार रहता है। कमांडर सुनील पांडे भी खतरे के लिए तैयार थे। उनका इरादा किसी की जान लेने का नहीं था, वो बस ये चाहते थे कि उनकी शीला हमेशा खुश रहे, राजेश उससे शादी कर ले। कौन है? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। मिस्टर पांडे। सुनील। हाय सुनील, बैठो।
तुम शीला से प्यार करते हो? क्या? मैंने पूछा तुम शीला से प्यार करते हो, उससे शादी करोगे, उसे मेरे बच्चों के साथ अपनाओगे तुम? ए कम ऑन, रिलैक्स, ये सब क्या हो रहा है? मैंने उससे कभी कमिट नहीं किया कि मैं उससे शादी करूंगा। What? हाँ सुनील, तुम शायद भूल रहे हो, मैंने तुम्हें अपना काम बताया था कि मैं पुरानी चीजों को नया करके आगे भेज देता हूँ, अपने पास नहीं रखता। तुमको तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैंने तुम्हारी पुरानी पत्नी को फिर से नया बना दिया है। जरा छू कर तो देखो उसे, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह लगेगी। राजेश चिल्लाओ मत, चिल्लाना हो तो अपनी पत्नी पर जाकर चिल्लाओ। साली 3 महीने में हर रात उसने मेरे साथ गुजारी और अब भी दिल नहीं भरा उसका मुझसे। You rascal! सुनील देखो, शीला की बेइज्जती कर रहा था, मेरी शीला की, कैसे बर्दाश्त करता मैं? I killed him. कमांडर सुनील पांडे पर राजेश अनेजा के खून का मुकदमा चला और अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। डियर पापा, मुझे और विनय को आपकी बहुत याद आती है, प्लीज कम सुन। वो मोहित पागल कहता है कि अपने खून किया है, मैं उसका सर फोड़ दूंगी। आई लव यू पापा। मम्मी किससे भी बात नहीं करती है, बस रोती रहती है पूरा दिन, पर मैं उनका ख्याल रखूंगी पापा, और विनय का भी। ऐसे हालात में दो लोग थे जिन्होंने सुनील पांडे का साथ कभी नहीं छोड़ा, और ये थे उनके बच्चे विनय और रीना। इसके अलावा उनकी सजा का सबसे बड़ा सहारा था शीला की यादें, उसका प्यार और समुद्र की वो लहरें जो हमेशा उन्हें शीला की याद दिलाती।